नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आए हुए हैं ग्राम करसा पाटन छत्तीसगढ़। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा हरेली तिहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, यहाँ पर जो है वह हरेली तिहार में कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मिस्टर भूपेश बघेल जी का आगमन भी होने वाला है। वह अलग अलग नई नई मशीनों का लॉन्च भी करेंगे और हमारे कृषि से जुड़ी हुई अलग अलग घोषणाएं भी करेंगे, नई नीतियों की शुरुआत भी होगी। तो साथियों, यह वीडियो जो है हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। सबसे पहले बात करें साथियों, यहाँ पर जो है गौमूत्र की जो खरीदी की बात की गई है उसकी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। कुछ गौठान है जिसमें इसकी खरीदी आज से शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद फिर साथियों, IGKV हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो है वह बैटरी से ऑपरेटेड, जो कि काफ़ी कम खर्च में तैयार किया गया मशीन है, जिसकी लॉन्चिंग जो है वह हमारे किसान भाइयों के लिए की जाएगी। उसके बाद फिर साथियों, अभी जैसे जैविक खेती की डिमांड लगातार बढ़ती हुई जा रही है, तो जैविक खेती की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने जो है वह गौमूत्र से कीटनाशक बनाने का जो है वह तरीका बताया है और उससे जो है कीटनाशक बना करके हमारे किसान भाइयों के लिए लॉन्च की जाएगी। मछली पालन करने वाले किसान भाइयों के लिए बोनस का भी यहां पर प्रावधान रखा गया है। तो इन्हीं नीतियों की जो है वह लॉन्चिंग की जाएगी और साथ ही ड्रोन, यहां पर साथियों ड्रोन से खेतों की सिंचाई की जो है वह शुरुआत की जाएगी। तो इसमें कि किसान भाइयों को जो है इसका लाभ मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे और क्या इन सब चीज़ों में सब्सिडी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो है गौमूत्र भी हमारी सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी। यहाँ पर महिला समूह की हमारी बहनाएँ हैं जो कि इसकी ट्रेनिंग ली हुई है कि इसको चेक करते हैं किस तरह से यह शुद्ध है कि नहीं है, उसके बाद ही जो गौमूत्र होगी उसकी खरीदी की जाएगी। तो अभी गौमूत्र कितने रेट में खरीदेंगे उसके बारे में बताएंगे जी? 4 रुपये प्रति लीटर में। तो अभी आप लोग अपना परिचय देंगे, आप कहाँ से हैं और कहाँ से प्रशिक्षण लिया आपने? सर, हम लोग, मैं ग्राम करसा से हूँ सर जी, और हम लोग यहीं करसा में ही प्रशिक्षण लिए सर जी। पशु विभाग से जो सर आए थे उन लोग प्रशिक्षण हम लोग को दिए सर। आप लोग अभी टेस्ट करके दिखाएंगे कि किस तरह से उसको आप शुद्धता की जाँच करेंगे जी? सर, हम लोग इसमें जो यूरिनोमीटर है ना सर, उसमें गौमूत्र शुद्ध है, पानी मिला है कि नहीं मिला, उसको हम लोग यूरिनोमीटर से चेक करेंगे जी। जी, उपयोग करके दिखा देंगे। हाँ, दिखाएंगे सर। ये लिटमस पेपर है सर, लिटमस पेपर में हम लोग चेक करते हैं कि मतलब जो हम गौमूत्र हमारे लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है, मतलब उसको उपयोग में आएगा ना तो सर हमारा जो सेवन से जो ऊपर रहेगा वो हम लोग के लिए उपयोगी होगा सर जी। जैसे इसका पीएच लेवल जैसे हम देख पा रहे हैं 8 आ रहा है। हाँ, तो उपयोगी है सर ये गौमूत्र हमारे लिए। यहाँ पर जो अधिकारी जी हैं वो हमको बताने वाले हैं कि मेड़ों पर जो अरहर लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि किसान भाई मेड़ों को खाली छोड़ देते हैं तो उससे एक आमदनी कर पाएंगे और उससे एक अलग फसल ले पाएंगे, तो उसके बारे में हम सर से जानने वाले हैं। तो सर का सबसे पहले हम परिचय लेते हैं, सर हमारे सामने किसान भाइयों को अपना परिचय देंगे। यशवंत कुमार वर्मा जी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पाटन। मैं हमारे पाटन ब्लॉक में मेड़ों पर अरहर के लिए जी जी 2000 हेक्टर खेत के मेड़ों के लिए अरहर 40 क्विंटल मिला था जी, जिसको हम कौही, सेलूद, सावनी जी और सुरपा 4 जगह दिए हैं जी। वहाँ के संपूर्ण मेड़ में अरहर लगना है जी, तो 2000 हेक्टर पूरा मेड़ में अरहर लग गया है जी। मेड़ों पर अरहर लगाने से ये फायदा है कि हमको जैसे एक एकड़ मेड़ है उसमें 10 डिसमिल मेड़ होता है एक एकड़ में खेत जी, तो एक एकड़ खेत में 10 डिसमिल 5 एकड़ मेड़ है जी, 5 एकड़ खेत है तो उसमें 50 डिसमिल में मेड़ होता है जी। अगर हम 5 एकड़ में अरहर लगा दें मेड़ में तो कम से कम हमको एक हेक्टर में मतलब 2.5 एकड़ में जी 5 क्विंटल अरहर, तो 5 एकड़ में 10 क्विंटल अरहर प्राप्त हो जाता है जी सर, जो हमको साल भर के लिए जी दाल के लिए पर्याप्त होता है जी। ये अरहर शुद्ध रहता है, मेड़ में कोई कीटनाशक नहीं डालते हैं, शुद्ध जैविक होता है जी सर। इसको खाने से प्रोटीन की मात्रा अच्छा रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। मैं किसान से यही चाहता हूँ कि अपने किसान अपने खेत के मेड़ में अरहर का फसल लगाए और आमदनी कमाए। धन्यवाद।
धन्यवाद सर आपका भी। साथियों, जैसे कि अभी जैविक खेती की डिमांड जो है लगातार बढ़ते हुए जा रही है, तो इसमें हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उन्होंने अपने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गौमूत्र से बहुत से कीटनाशक बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर महिला समूह की बहनें हैं जो इसको बना रही हैं, तो उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय देंगे दीदी सामने। मैं प्रभा वर्मा जी, ग्राम अवंती से हूँ। आपका समूह जो है समूह जागृति स्व सहायता समूह है जी जी। आश्रित दवाई है जी, कीट नियंत्रण करने के लिए है जी। इसको 5 प्रकार के पत्ते से बनाते हैं अपन। ये जीवामृत है जी। इसको 10 किलो गोबर 200 लीटर पानी में बनाना है अपने उसको। तो डालने से जो खेत के अपने मिट्टी है जो उपजाऊ बनाएगा जी। और जो सूक्ष्म जीवाणु है उसको वर्जित करता है। एक तरल पदार्थ है। इसका क्या प्राइस है? इसका भी 50 रुपये सर। ये अग्नास्त्र सर जी। ये भी नीम पत्ता से बनता है और गौमूत्र से बनता है। इसमें अपन मिर्ची लेते हैं आधा किलो, आधा किलो लहसुन लेते हैं, 5 किलो नीम पत्ता लेते हैं और गौमूत्र लेते हैं 5 लीटर। सभी को कूट के पीस के गौमूत्र में उबाल के 2.5 लीटर तक के होने तक के बनाते हैं। उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद पैकिंग करके रख लेते हैं। तो इसका फायदे क्या? इसके फायदे वही है पत्ता खाने वाले कीटों के लिए। ये नीम पत्ता से बनी हुई दवाई है। ये मैनी कीड़ा और जो इल्लियाँ होती हैं उनके लिए ये दवाई है। इसको 5 किलो नीम पत्ती लेना है, 5 लीटर गौमूत्र लेना है। नीम पत्ती को कूट के 5 लीटर गौमूत्र में मिला के उबाल लेना है। उसके बाद इसको तब तक उबालना जब तक कि 2.5 लीटर ना हो। और इसके फायदे वही हैं कि जो कीटाणु हैं अपने मैनी कीड़ा इल्ली है वो खत्म हो जाते हैं। कुछ ही आ रहा है कि इसको मतलब देखकर लोग किसान भाई अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, अपनी ओर आकर्षित हो रहे कि नहीं? हो रहे हैं सर जी। उपयोग किए हैं इसको किसान? उपयोग तो हम लोग पहले अपने ही खेतों में कर रहे हैं जी। और वो थोड़ा सा धीरे समय लगेगा, इधर अभी अभी आया है तो इसीलिए अपन धीरे से थोड़ा सा। धन्यवाद दीदी। जय छत्तीसगढ़। साथियों, मछली पालन को लेकर के नई नीति लाई गई है, उसके बारे में हम सर से जानने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे सामने किसान भाई को परिचय देंगे अपना। मैं एके कनेरिया, सहायक मत्स्य अधिकारी दुर्ग पाटन जी। सर, वो नई नीति लाई गई है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बेसिक छत्तीसगढ़ शासन की जो नई मछुआ नीति लाई गई है उसके अंतर्गत जो मछुआरे जुड़े हुए हैं मछली पालन के रोजगार से जुड़े हुए हैं उनको शासन द्वारा 25% तक का बोनस दिए जाने की घोषणा की गई है। साथियों, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो ड्रोन से सिंचाई की गई खेत में, तो अभी इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं और इसमें जल्दी सब्सिडी के बारे में भी सर ने जैसे हमको बताया कि सब्सिडी आने वाली है इसमें, तो उसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर, इसका आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे सामने। मेरा नाम कंचन श्रीवास्तव है जी। मैं यहाँ पे एक ड्रोन कंपनी चलाता हूँ, एरोयोन एआई, और आज हमने एक पूरा इंटीग्रेटेड वैन बनाया है जिसके अंदर ड्रोन है जी। जिसके अंदर एक दुकान है जिसमें बीज खाद सब कुछ मिलेगा जी। उसके साथ साथ एक भू परीक्षण यंत्र भी हमने साथ में लगाया हुआ जी। जिससे सॉइल टेस्टिंग भी हो सकती है। ये सब चीज़ माननीय मुख्यमंत्री और उनके एग्रीकल्चर सलाहकार प्रदीप शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ है जी। जहाँ तक मैं आपको ये ड्रोन की बात बताता हूँ तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आज ये टंकी 16 लीटर की है जी। और 15 मिनट में हम 2 एकड़ कवर कर लेते हैं। आज जब आप एक सिंचाई वाला आदमी जाता है खेत में जाता है, वो कम से कम 1 से 2 घंटे में वो सिंचाई करता है। हमारा जो पूरा एक मॉडल है इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम लाएंगे, जो 20 गांव का एक समूह बना के जी, उधर के ही 2-3 नौजवानों को उठा के जो ड्रोन में इंटरेस्टेड है उनको ड्रोन उड़ाना सब कुछ सिखा के ये पूरा एक वैन में डाल के एक सॉल्यूशन देंगे। फिर वो अपने समूह की मदद करें जी, वो खुद अपनी आमदनी कमाएं और इससे एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी है जी। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया। काफ़ी अच्छी है सर। तो सर, इसमें एक बार में मतलब एक सिंगल चार्ज के बाद इसमें कितने देर कितने एकड़ को कवर कर सकते हैं? सही, अराउंड 25 से 30 मिनट एक चार्ज में जाता है। उसके बाद स्वैपेबल बैटरीज है तो आप ये बैटरी निकालें और दूसरी बैटरी लगा दें जी। तो एक फ्लाइट में ये लगभग 25 मिनट जाता है और 15 मिनट में हम लगभग 2 एकड़, तो आप समझ लें कि और 15 मिनट में लगभग ये टंकी खाली भी हो जाती है। सच कहूँ जब आप उड़ाते हैं तो आपको वापस बुलाना पड़ता है, फिर टंकी भरनी पड़ती है, फिर उड़ाना पड़ता है जी, जी। 3 एकड़ है और अगर आप इसको ले लेंगे तो मतलब नहीं उस चीज़ का, इसलिए हम एक समूह बना के 20 गांव का उधर सबको देंगे। ये हमने अभी तक ऐसा प्लान किया है, बाकी आगे जो डिस्कशन है माननीय प्रदीप शर्मा जी जो सलाहकार हैं उनके साथ। थैंक यू सर। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। जल्द मिलते हैं तीसरे तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।